एक समय की बात है, पक्षियों का एक झुंड आसमान में भोजन की तलाश में जा रहा था। गलती से वह झुंड भटक कर ऐसे जंगल के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। उसका सरदार चिंतित था। सभी पक्षियों की शक्ति भी समाप्त होती जा रही थी। जल्द ही कुछ खाना मिलना जरूरी था। झुंड का एक युवा पक्षी सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही सूचना देना था। जब वो जंगल से बाहर निकले तो उनको हरियाली नजर आई, तो भोजन की उम्मीद दिखी। युवा पक्षी नीचे उड़ने लगा, तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अनाज बिखरा नजर आया। उसने सोचा, यहाँ तो बहुत भोजन है, मुझे सरदार को खबर करना चाहिए। तभी वो सरदार को खबर करने चला जाता है। सरदार, नीचे खेत में बहुत सारा दाना दिख रहा है, हम सबका पेट भर जाएगा। पक्षियों का सरदार सूचना पाते ही हुक्म दिया, सब लोग नीचे खेत से सारा दाना उठा लाओ। पक्षियों का झुंड नीचे उतरा और दाना चुगने लगा। वास्तव में दाना पक्षी पकड़ने वाले ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर उसका जाल लगा हुआ था और जैसे ही सारे पक्षी दाना चुगने लगे, वो जाल उन पर आकर गिर गया और सारे पक्षी फंस गए। पक्षियों के सरदार ने माथा पीटा और बोला, अरे ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भोग ने मेरे अकल में पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना दाना बिखरा होने का कोई तो मतलब होगा। तभी कौवा रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी सभी पक्षी हिम्मत हार गए, पर सरदार गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है पर इसमें इतनी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी शक्ति जोड़े तो मौत के मुंह से भी जान बचा सकते हैं। तभी बुलबुल पक्षी बोली, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ लो, फिर जब मैं फूल कहूँ तो सब जोर लगाकर उड़ना। सबने वैसा ही किया। तभी जाल बिखेरने वाला आता दिखाई दिया। जाल में फंसे पक्षियों को देखकर खुश हुआ। उसने हाथ में डंडा लिया और दौड़ा। शिकारी जाल से कुछ ही दूरी में था कि पक्षी के सरदार ने फूल बोला, पक्षी एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उड़ने लगा और सारे पक्षी जाल को लेकर हवा में उड़ते हुए चले गए। पक्षियों को जाल से उड़ता हुआ देख शिकारी परेशान हो गया। कुछ समय जाल के पीछे दौड़ने लगा। पक्षियों के सरदार ने शिकारी को जाल के पीछे दौड़ता देखा तो उसका इरादा समझ गया। सरदार जानता था ज्यादा देर तक जाल को लेकर उड़ना संभव नहीं होगा, लेकिन सरदार के पास इसका एक उपाय था। उसका एक दोस्त चूहा पहाड़ पर बिल बनाकर रहता था। सरदार ने पक्षियों को आदेश दिया, तेजी से उस पहाड़ के पास चलो। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का आदेश पाकर जाल समेत पक्षी चूहे की बिल के करीब उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने चूहे को सारी बात बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने को कहा। चूहे ने कुछ ही देर में जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारे पक्षियों का झुंड आकाश की ओर आजादी की उड़ान उड़ने लगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकजुट होकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसे लगा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।